नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल, देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। राजनीतिक दलों द्वारा अपनी अपनी जीत के लिए चुनावी कवायदों का दौर जारी है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता बड़ी संख्या में पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इस बारे में लोक भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक त्रिपाठी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में इस बार राष्ट्रवाद मजबूत हो रहा है, लोग प्रकृति संस्कृति और परंपराओं की ओर लौट रहे हैं। केंद्र की भाजपा सरकार के राम मंदिर धारा 370 के निर्णयों से लोग खुश हैं, इसीलिए भाजपा की स्थिति मजबूत हो रही है। नमस्कार साथियों, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। देश के 5 राज्यों में 27 मार्च से 29 अप्रैल के मध्य चुनाव होने जा रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन हम बात करेंगे उस राज्य की जिस पर निगाह पूरे देश के साथ साथ विश्व की भी है। मैं बात कर रहा हूं पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव की। जाहिर है जब पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव की बात होगी तो वहां के नेताओं की भी बात होगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के जो नेता भारी संख्या में, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मंत्री पश्चिम बंगाल सरकार के, पूर्व विधायक सांसद भारी संख्या में तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। राजनीति में ये अक्सर देखा जाता है। आश्चर्य यह है अपने से उलट विचारधारा वाली पार्टी में वे जा रहे हैं, भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है, हम चर्चा करेंगे लोक भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक त्रिपाठी जी से। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। क्या मुख्य वजह मानते हैं सर इसकी? देखिए, वर्तमान में जो केंद्र में एक प्रकार से स्थायी सरकार है उसके कारण कोरोना काल में प्रकृति और संस्कृति के निकट आने की जो परिस्थितियां हुई, अब लौट चले। कहां चले? गांव की ओर। कहां चले? संस्कृति की ओर। कहां चले? परंपराओं की ओर। तो इन सब के बीच में मैं एक ही शब्द कहूंगा, ये सब चीजें जब हुई, ये जज्बे अंदर से जागे प्रकृति संस्कृति और परंपराओं के लिए, तो बहुत सारे लोगों को लगने लगा कि हमारी सबसे बड़ी भूल तृणमूल। राजनीतिक दलों की अपनी नीति होती है, वहां तक ठीक है। बीच में जो सुनने में आया कि आज राष्ट्रीय अखंडता के प्रति, सनातन संस्कृति की परंपराओं के प्रति दक्षिण से उत्तर तक एक आस्था का वातावरण बनता जा रहा है, श्रद्धा का वातावरण बनता जा रहा है, इसी कारण बगैर किसी विवाद के, झगड़े के, न्याय प्रक्रिया का आदेश हो भले लेकिन कोई विवाद नहीं हुआ, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, धारा 370 का विषय हो, ऐसे बहुत सारे विषय हैं, इसमें देश ने बड़ा समर्थन और साथ दिया। तो देश की दशा और विशा इस समय राष्ट्रवाद की ओर है। बिल्कुल। और पश्चिम बंगाल की घटनाओं में शायद अमित शाह जी थे तो जय श्री राम या मोदी जी की सभा में जय श्री राम के नारों का विरोध, ये बेहूदगी है। राम तो इस सनातन संस्कृति के एक ब्रह्मांड नायक है। इसमें सर मैं एक चीज और आपसे जुड़वाना चाहूंगा, तृणमूल की नेता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शायद इसको समझ गई हैं, क्योंकि इस बार उन्होंने हर बार की तुलना में मुस्लिम उम्मीदवारों को कम उतारा है तृणमूल की तरफ से। इसका भी क्या यही कारण हो सकता है? देर आए दुरुस्त आए, ये तुष्टिकरण की राजनीति के लिए जानी जाती है। तुष्टिकरण की राजनीति में आएगा जी, यह चूक हो गई उनसे जी, उनसे चूक हो गई। समय से पहले देश के मिजाज को भांपना था, प्रदेश के मिजाज को भांपना था। आज मुझे आश्चर्य से कहूंगा कि जैसे कांग्रेस के एक बड़े नेता गुलाम नबी आजाद की भाषा बदली है, देश में मुस्लिम समाज भी राष्ट्रवाद की ओर बढ़ता चला। राशिद अलवी ने भी भाजपा और मोदी की तारीफ, ऐसे में जो मुस्लिम तुष्टिकरण के माध्यम से सत्ता प्राप्त करते रहने की जो प्रक्रिया रही है तृणमूल की, उसकी कली खुल चुकी है। और अब तो मुझे लगता है कि देश का और प्रदेश का मुस्लिम भी समझने लगा है कि सत्ता के लिए केवल हमारा उपयोग हो रहा है। बिल्कुल। देश का हित किसमें है, हमें उस ओर जाना चाहिए। इसका लाभ स्वतः है भाजपा को मिलता हुआ दिख रहा है, और जिस प्रकार की ये धीमी आंधी चल रही है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक बड़े तूफान का रूप न ले ले, और जिस तरह वो वामपंथियों का गढ़ कब ढह गया पता नहीं लगा, उसी तरह
तृणमूल का भी तिनका तिनका कब बिखर जाएगा इसका भी पता नहीं लगेगा। अब भी समय है, समझ जाएं और स्पष्ट रूप से राष्ट्रवाद के साथ अपनी भूमिका निभाएं। धन्यवाद। अब ये तो सर आने वाला समय 2 मई को पता चलेगा, देखते हैं क्या होता है। आपने विचार हमसे साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संदेश नेमा की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।